नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा ने उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई है। सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा है और उन्होंने बिना देर किए भारत रत्न दिए जाने की घोषणा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव वो नाम है जो भारत रत्न की शोभा बढ़ाने का काम करेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मंगलवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव सैफई में हजारों की संख्या में लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया और नेताजी के बड़े बेटे अखिलेश यादव ने नम आंखों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। अब मुलायम सिंह यादव को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न देने की मांग उठी है। ये मांग समाजवादी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता आईपी सिंह ने उठाई है। सपा के राष्ट्र प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर मुलायम सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। आईपी सिंह ने पत्र में लिखा कि देश ने अपने सबसे प्रिय नेता मुलायम सिंह यादव को खो दिया। एक ऐसा नेता जिसका जीवन ही संघर्ष का दूसरा नाम है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और सर्वस्व राष्ट्र के नाम समर्पित किया। यूपी के छोटे से कस्बे सैफई के एक पिछड़े परिवार में जन्म लेने वाले नेताजी लगभग 6 दशकों तक सदैव देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बने रहे। वो सही मायने में राजनीति के अक्षय कोष हैं। आईपी सिंह ने आगे लिखा, वो गरीबों के मसीहा थे और आजीवन सिर्फ गरीब कल्याण की राजनीति की। समाज के जिस वंचित और शोषित वर्ग के लिए नेताजी ने संघर्ष किया, उस वर्ग की पीड़ा और दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उनके करोड़ों चाहने वालों और समाजवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए नेताजी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की अविलंब घोषणा की जानी चाहिए। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर विक्रमादित्य मार्ग का नाम नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव के नाम पर रखने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने पत्र में लिखा कि नेताजी का पूरा जीवन विक्रमादित्य मार्ग पर बीता है, इसलिए मार्ग नेताजी के नाम से जाना जाए। हजरतगंज चौराहा पर लगी महापुरुषों की प्रतिमा की तर्ज पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा भी लगाई जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। सैफई में दिग्गज नेताओं समेत हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। दिवंगत मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न की मांग उठी है। ये मांग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सीनियर लीडर आईपी सिंह ने की है। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सपा नेता ने मुलायम सिंह यादव को अविलंब भारत रत्न देने की मांग उठाई है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।